हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंशन फ्री स्टडी। दोस्तों, हम लोग आज क्लास 12th का ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आए हैं। ये क्लास 12th का मैथ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है पिछले साल कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पिछले साल बहुत बार पूछा गया है। देखिए, ये जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी में योगदान बढ़ाइए। तो आपको दिया गया क्वेश्चन है कि यदि ए इक्वल्स टू अल्फा 0 1 1 हो तथा बी इक्वल्स टू 1 0 5 1 हो, तो ये जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो ये दिया गया है और अल्फा का मान हमने पूछ रहा है, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि ए स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है। मतलब ये जो आपको ए बराबर दिया गया है मान अल्फा 0 1 1, तो इसका स्क्वायर करना है आपको, उसको जो है बी के बराबर रख देना है, क्योंकि बी के बराबर दिया गया भी है कि ए स्क्वायर जो है बराबर है किसके, बी के। तो पहले, सबसे पहले आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना होगा। तो ए स्क्वायर का मीन्स हुआ ए गुना ए, तो ए गुना ए कीजिए, ए का मान दो बार रखना है, तो एक है अल्फा 0 1 1, फिर गुना होगा जस्ट सेम टू सेम वही 1 1। अब जैसे मैट्रिक्स जो गुना होता है, जैसे हमको यहाँ पे ए स्क्वायर निकलेगा, तो ये जो है रो है, इसे सीधा इस प्रकार से जो होता है क्षैतिज रहता है उसको रो बोलते हैं और ये लंबवत को कॉलम बोलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई गुना होता है वो रो जो है गुना कर लेता है इसके कॉलम से। तो ये देखो इस प्रकार, जैसे ये यहाँ पे अल्फा 0 है, तो अल्फा और 0 लिख दिए और ये कॉलम के साथ गुना कर लेगा, अल्फा है गुना 1। मतलब ये अल्फा, ये अल्फा के साथ ये 0, ये 1 के साथ, मतलब ये वाला रो रहेगा तो ये कॉलम रहेगा और दोनों के बीच में जोड़ हो जाएगा। तो अल्फा गुना अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर, 1 गुना 0 क्या होगा 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुना होता है, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0। फिर यही जो है रो दूसरा कॉलम के साथ गुना करेगा, तो अल्फा गुना 0, 0 गुना 1, दूसरा जगह पर जाएगा 0। और यहाँ पर अब सेकेंड रो आ गया है, तो सेकेंड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेगा, तो ये 1 गुना हो जाएगा अल्फा, तो 1 गुना हो जाता है अल्फा, तो अल्फा ही हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह होगा, फिर ये 1 गुना हो जाएगा 1 तो 1। फिर ये जो है सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेगा, सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये 1 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस, ये 1 गुना 1 क्या जगह 1। तो यहाँ पे मेरा जो है ए स्क्वायर जो निकला, ए स्क्वायर निकल गया अल्फा स्क्वायर 0, ये अल्फा प्लस 1 और ये हो गया 1। तो मेरा ये ए स्क्वायर निकल गया है और बी का मान हमको पहले से दिया गया है 1 0 5 1। ये बी का मान हमको देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अब जो है आप क्या कीजिए, ये बी के बराबर जो है ये ए स्क्वायर को लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर का मान कितना है, अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 1, ये हो गया, इसके बराबर में हो जाएगा बी का मान। बी का मान कितना है 1 0 5 1, ये हो गया बी का मान। अब जो है मेरा ये ए एस मेरा ये जो है ए स्क्वायर का मान जो है बी स्क्वायर के मान के बराबर रख दिए हम। अब जो है ये अल्फा स्क्वायर जो है, अल्फा स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उस पर गया तो रूट हो गया रूट अंडर 1, तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो प्लस में 1 और माइनस 1 दोनों में निकलेगा। इस पर अल्फा का एगो मान या तो एक प्लस हो जाएगा या तो माइनस 1 हो जाएगा। और ये दूसरा जो आपका स्टेज है,
अल्फा प्लस वन, ये अल्फा प्लस वन के बराबर जस्ट उस पार में जो है जो इसके स्थान के सामने होगा वो 5 हो जाएगा। तो जाएगा अल्फा प्लस वन बराबर 5, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4। तो अल्फा का आपका दो तरह का मान आ रहा है, एक तो आ गया एक 4 आ गया, और अल्फा का एक प्लस एक आ गया और एक माइनस एक। इसी प्रकार से बहुत सारा मान, 3 मान निकल गया। इसका मान जो है कोई कन्फर्म नहीं है, मतलब वास्तविक नहीं है, बदलने वाला है, चेंजेबल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।